नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को समाप्त करने के लिए हर कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर किसी न किसी प्रकार से प्रयास करे और कमी न छोड़े। जो व्यक्ति इस महामारी से लड़ने में अपने पूरे प्रयास से लड़ेगा, आने वाला इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में लाइव टेलीविजन पर राज्य के सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राणा सांगा और बाबर की फौजों के बीच में खनवा युद्ध का एक प्रसंग भी साझा करते हुए कहा कि आज मैं सभी मेवाती भाइयों से कहना चाहता हूं कि कोरोना की लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ें। जैसे शहीद हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ खड़े होकर के बाबर की फौजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मेवात यदि हमारे साथ कोरोना की लड़ाई में मिलकर चलता है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और मेवात से इस बीमारी को हम भगा देंगे। नूह जिला के लोग भी इस लड़ाई को लड़ने का दम दिखाएं और इसी लड़ाई के पीछे न रहें। उन्होंने कहा कि सरपंच विधायक सांसदों ने अपने एक माह का वेतन देने की बात कही है और इसी प्रकार कुछ पूर्व विधायकों ने भी अपनी एक माह की पेंशन देने की पेशकश की है। इसके अलावा विधायकों व सांसदों सहित मंत्रियों ने भी एक साल तक 30% वेतन कटवाने की बात कही है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। भरे हैं सामाजिक संस्थाएं, वो भी सब लगी हैं, उनके वॉलंटियर्स लगे हैं, व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, किसान, मजदूर, दुकानदार, वॉलंटियर्स, तरह तरह के बहुत से लोग लगे हैं। यानी मैं कहूँ तो अन्य ज्ञात अज्ञात सभी लोग लाखों की संख्या में इस काम में लगे हैं। हमारे हरियाणा के कर्मचारी अगर मैं समझूं तो 2,75,00,000 ये हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। 2,75,00,000 यदि हमारे प्रदेश की आबादी 2,75,00,000 और हमारे कर्मचारी 2,75,000, यदि 2,75,000 2,75,00,000 के लिए काम करेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन यदि सब लोग अर्थात 2,75,00,000 हमारे कोरोना के जितने भी संभावित मरीज अभी चल रहे हैं, जो क्वारंटाइन में हैं, जो विजिलेंस जो इस समय देख रेख में चल रहे हैं, यदि उनकी 2,75,000 की सेवा करेंगे तो बहुत काम आसान हो जाता है। और ये काम केवल कर्मचारी ही नहीं कर रहे, संस्थाएं जो कर रही हैं उसके साथ साथ हमारी छोटी इकाइयाँ, हमारे गाँव में भी हर गांव के अंदर प्राय ठीकरी पैरे शुरू हो गए हैं। गांव के अंदर लोग कैंप लगा करके बैठे हैं और उन कैंपों में भोजन पैकेट्स ये भी बांटे जा रहे हैं। शहरों में जो मजदूर हैं, वो मजदूर खास करके माइग्रेंट लेबर के लोग जो अन्य अन्य प्रदेशों से आकर के अपने प्रदेशों को जाने वाले थे, 2 दिन के लिए बहुत कठिनाई आई थी, उसके कारण से बहुत से कैंप लगाए गए, उनमें भोजन के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। अभी तक लगभग 70,00,000 पैकेट्स, चाहे वो सरकार की ओर से बटे हों या संस्थाओं की ओर से बटे हों, भोजन इकट्ठा करके उनको 7 दिन का 15 दिन का राशन ये भी पहुंचाया जा रहा है। केवल नागरिकों की असुविधा हुई है, उनको कष्ट आया, ऐसा नहीं है, बल्कि पशुओं की, जानवरों की ये भी समस्या बनी है। विशेष तौर पर हमारा प्रदेश गौशालाओं का प्रदेश है, उन गौशालाओं के लिए भी सेवा कर रहे हैं हमारे गाँव के लोग, वहाँ भूसा अनाज ये सब भेज रहे हैं। हमारे पोल्ट्री फार्म्स, उनको भी कष्ट आया है, संकट आया है, तो इसलिए हर दृष्टि से हर जगह उनका एक प्रकार से सहयोग हो रहा है, धन का भी योगदान हो रहा है। लोगों ने समर्पण भाव से, चाहे वो संस्थाओं के लोग स्थानीय प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, चाहे हमने प्रदेश में अपने यहाँ कोरोना राहत फंड ये बनाया है, और कोरोना राहत फंड के अंदर भी जो आज तक ताज़ा आंकड़े हैं लगभग 72 करोड़ रुपया ये उसमें एकत्र हो चुका है। कर्मचारियों ने भी इतनी ही राशि ये भी इकट्ठी की है, हमारे वॉलंटियर्स ये भी सब लगे हैं। जहाँ तक कर्मचारियों का विषय है, ये कर्मचारी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी मास की सैलरी ये भी इसमें दे दी है। 160 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे महीने की ये नौकरी, ये एक प्रकार की जो सैलरी है वो योगदान की है। और हैरानी की बात तो ये है कि ग्रुप डी के कर्मचारी, जिसको ये कहा जाता है कि बहुत सामान्य तनख्वाह लेने वाला, वो कर्मचारी वो भी महीने महीने की सैलरी दे रहा है। ऐसे दर्जनों कर्मचारी, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, मैं तो चाहूँगा
कि उनमें से कुछ लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं। मैं एक तुरंत एक हमारे जो पीएन हैं अंबाला के जिले के रहने वाले हैं नरेश, उनसे मैं बातचीत आपकी कराऊंगा, मेरे साथ वो जुड़े हैं। नवरंग जी, नरेश जी से हमारी बात कराइए जरा। हाँ नरेश जी, हाँ नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज मैं हरियाणा में आपकी सारी बात को बताने के लिए आपको साथ जोड़ करके आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ। जो मुझे जानकारी मिली, अपनी पिछले महीने की पूरी सैलरी आपने कोरोना राहत फंड में दी है, क्या ये बात ठीक है? हाँ, तो इस नाते से जरा बताएंगे कि प्रेरणा आपको क्यों मिली, कैसे मिली? बना चुका हूँ कि इस कोरोना महामारी के संकट में मैं तन मन और धन से साथ दूंगा। तो ये बात कैसे, प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर इसके इसके लिए प्रेरणा मेरे से मेरे परिवार से मिली। मेरे परिवार वालों ने प्रोत्साहित किया, जिसमें मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, मेरा भाई, इन्होंने मेरे लिए प्रोत्साहित किया कि भाई आप आगे बढ़ कर आएंगे, आप अपनी फैमिली का योगदान दें। और तब उस समय को देखते हैं जब आपके पास नौकरी नहीं थी, तभी समय तभी गुजारा हो रहा था, और आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, आप मुख्यमंत्री, इन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया, तो मैंने सर ये कंट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया, कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं गांव पतरेड़ी सिटी नारायणगढ़ जिला अंबाला का रहने वाला हूँ। पतरेड़ी नारायणगढ़ विधानसभा में क्षेत्र पड़ता है। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप सामान्य ग्रुप डी के एक कर्मचारी के नाते। कब नौकरी लगी थी आपकी? 2019। अभी 2019 में लगी है। बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर के सारा समाज खड़ा होगा, ऐसे मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवरंग जी, और कौन है लाइन में अपने साथ? धन्यवाद जी। हमारे साथ अभी स्टाफ नर्स है, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ। कौन है, क्या नाम है? शशि बालाजी। हाँ शशि बालाजी, कोरोना की इस लड़ाई में आपका भी योगदान अभूतपूर्व। आप बताएंगे जरा सब लोगों को, नागरिकों को, कि किस प्रकार से आपने ये सब काम किया? सर मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप, मैं लाइन पे हूँ आपके साथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और बचपन से ही सोचते आ रहे हैं कि देश की सेवा करो, देश की सेवा करो, तो सर आज ये मौका मिला है, देश के संकट आया है, तो एक महीने की क्या सर, सारे साल कमाते ही हैं, तो क्या हो गया सर, जो गरीब है देखते हैं उनको सर, हॉस्पिटल में आते हैं उनके पास चप्पल भी नहीं होती। तो सर मैं तो जा नहीं सकती उन गरीबों के पास उनको कुछ देने के लिए, तो सरकार तभी कुछ अपील करती है लोगों से कि तब उनके पास बजट कम होता है, इसलिए मैंने सर सोचा, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया था कि अगर, मैंने बस मैसेज में ही देखा था कि अगर 2 अप्रैल रात 12 बजे से पहले आप जो योगदान देना चाहते हैं, तो फिर मैंने अपने अकाउंटेंट से बात करके और सर मैंने दी। आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि इतने सारे पैसे मैं एक साथ दे रही हूँ, किसी ने मना नहीं किया? नहीं सर, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछा। आज जब हरियाणा भवन से मेरे पास फोन आया, तो मैं बोली कि सीएम साहब मेरे से बात करने वाले हैं, तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो खुश हुए, लेकिन मैंने बताया नहीं सर, मैं डर गई थी कभी वो गुस्सा ना हो जाए। लेकिन मैंने मन ही मन दे दी, मैंने सोचा कि जो होगा आगे देखा जाएगा, उसके लिए मैं तो गरीबों के लिए दे रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपका बहुत आभार। मेरी सर्विस को 2 साल हुए हैं, और स्टाफ नर्स तो सर हम देखते हैं, मरीज ऐसे सिर्फ बीमारी से नहीं आते सर, वो साथ में उनकी आर्थिक कमजोरी, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ही आते हैं सर, मैं उनको देखती हूँ, एक स्टाफ नर्स हर मरीज को सर उसके संपर्क में आती है और सब कुछ देखती है, तो सर माँ होती है एक स्टाफ नर्स, मैं यही सोचती हूँ, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को स्टाफ नर्स की नौकरी मिली, और ऐसी नौकरी मिली जिसमें मैं बहुत अच्छा। आपकी भावना को मैं बहुत सलूट करता हूँ कि आपने इस प्रकार से मन में विचार किया कि एक नर्स जो है वो अपनी माँ की भूमिका निभा करके और मरीजों को कैसे सेवा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवरंग जी, और कौन है अपनी साथ लाइन में? सर हमारे साथ कांस्टेबल रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, अच्छा कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं जी? हाँ हाँ रवि जी, जय हिंद। जी जय हिंद। आप बताएंगे कि आपने, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि अपनी पूरी सैलरी एक महीने की आप जो है इस कोरोना रिलीफ फंड में दे रहे हैं? सर ये विचार है पढ़ाई की
वजह से और पुलिस की में जो ईमानदारी और जो ट्रेनिंग भी पूरी हुई है हमारी उसमें तो देशभक्ति की भावना है वो जो उसके हमने ही किया है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? बटालियन हिसार में हुई। बहुत अच्छा है। तो आपने कोरोना रिलीफ फंड में एक सेवा के नाते से, क्योंकि सिपाही जो होता है पुलिस पर्सनल जो होता है वो तो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके ड्यूटी करता है, आपने अपनी सैलरी भी महीने भर की दे दी, ड्यूटी भी पूरी आप कर रहे होंगे, है ना? यस सर। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई और इसी प्रकार हाँ सर एक मैसेज है पब्लिक को भी इंसानियत जहाँ बात इंसानियत की आती है वहाँ पर मतलब पैसों की नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छा सरकार। बहुत अच्छा आपका ये सुझाव जो है आपने सीधे बोल करके और जनता तक पहुंचाया है, मैं इस बात से सहमत हूं और मैं भी कहूंगा कि आपकी इस कई कई बात को लोग जो है इसका अनुसरण करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ नवरंग जी, और कौन है अपने साथ लाइन पर? सरला देवी जी हैं, जेबीटी टीचर। अध्यापकों ने भी बहुत बड़ा योगदान किया। सरला देवी जी, आपको ये प्रेरणा जगी कि हम पूरे महीने की सैलरी आप दे रहे हैं, ऐसे कैसे मन में विचार आया ये? सर मैंने सोचा कि मैं और तो कुछ कर नहीं सकते देश के लिए, तो कम से कम मैं अपने आर्थिक रूप से तो देश के लिए सहायता करूं। ये बहुत बड़ा संकट आया है हमारे देश पे, हम इसमें किस तरह से योगदान दे सकते हैं। मैंने भी घर में किसी से नहीं बताया, मैंने चुपके से अपने बाबू को फोन किया कि आप मेरी 100% में से मैसेज नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने बेटे से मैसेज करा के कि भाई मेरा फिलअप करो, तो उन्होंने कहा आप फिलअप करोगे तभी आपकी कटेगी, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर मैंने हाँ मैंने बाबू से चुपके से कहा कि आप बताना मत और मेरी 100% सैलरी आप इसमें डोनेट कर दो। बहुत अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं सरला देवी जी? गुरावड़ा रेवाड़ी। बहुत अच्छा, गुरावड़ा के लोग भी आज सुन रहे होंगे तो कितना नाज हो रहा होगा अपनी बेटी की इस योगदान को सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम कहते हैं कि सभी अपने घरों में रहे, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो सन को सुरक्षित रखो तो देश सुरक्षित है। बहुत अच्छा। आप कोई अच्छा सुझाव और देना चाहें, कोई लोगों को कोई अच्छा संदेश देना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश। लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ने जो हमें लॉकडाउन की नसीहत दी है वो सभी अपनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मित्रों देखिए, एक से एक बढ़कर के किस प्रकार लोगों की भावना, चाहे वो सामान्य कर्मचारी है, चाहे अध्यापक है, चाहे पुलिस का सिपाही है, पीएन है, ये लोग भी इस भावना से ओतप्रोत हैं। और मैं तो सारे समाज के सब 3.25 करोड़ लोगों को कहूँगा कि अपनी भावना से ऐसे संकट के समय हम समाज के काम के लिए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से इस रोग को हम हटा करके ही रखेंगे, ऐसी कोई ऐसी मजाक नहीं है, मजाल नहीं है कि इसको हम रुकने देंगे। हरियाणा से तो हराएंगे, भारत से हम भगाएंगे। बहुत सी संस्थाएं ऐसी जो मेरे संपर्क में आई, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी सदस्य इसमें योगदान करें, और उन्होंने उस सदस्यों के योगदान के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं कि अपने सदस्यों का अप्रोच कर रहे हैं, अलग अलग पोर्टल बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, और पूरे का पूरा योगदान अब अपने कोरोना रिलीफ फंड में देने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की है। और कुछ स्थानों पर तो नए नए इनिशिएटिव शुरू हुए। करनाल जिले के वहाँ के हमारे लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है और उन्होंने एक नारा दिया है, अडॉप्ट ए फैमिली। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया और लोगों को कहा है कि अडॉप्ट फैमिली में आप किसी एक परिवार को यदि आप गोद ले सकते हैं तो आप गोद लें। 400 लोगों ने इस समय लगभग 15,000 लोगों को गोद लिया है, जिनको साप्ताहिक सहायता, साप्ताहिक अन्न है, कुछ साप्ताहिक पैसा है, ये सब देने की बात की है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कुछ मीडिया के लोग, कुछ दूसरे प्रदेशों के लोग इस प्रकार के कार्यक्रम को अपने यहाँ लागू करने के लिए भी अपनी इच्छा जता रहे हैं। हरियाणा ने जितने कार्यक्रम नए नए किए हैं बहुत से प्रदेश उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ शहरों के अंदर जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, RWS, वो भी अपने काम बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं, चाहे अपने इलाके का पहरा हो, चाहे किसी गरीब की सहायता करनी हो, ये सब कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे व्यापारी संस्थान अपने सब मजदूरों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके एक प्रकार से रोजी और उनका जो खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था,
वो अपने अपने स्थानों पर उन्होंने की है, भले उनके संस्थान बंद हैं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि हम अपने कर्मचारी को भी, अपने मजदूर को भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। बहुत से ऐसे किराएदार जहाँ ये कर्मचारी मकानों में किराए पर रहते थे, उन्होंने भी, हालांकि हमने आह्वान किया है कि उनके इन दो महीनों का, जब तक ये कोरोना की बीमारी है, किराया नहीं लेना है, उन्होंने हर इसका पालन किया है और कोई किराया इन दो महीनों का वो नहीं लेंगे। हमारी जो पंचायतें हैं उनके सरपंचों ने भी ये घोषणा की है कि हम अपना मासिक जो वेतन है वो मासिक मानदेय पूरे का पूरा कोरोना रिलीफ फंड में देने वाले हैं। हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, किसी ने अपना पूरा वेतन, किसी ने अगले एक वर्ष भर के लिए 30% अपने वेतन में से कटौती, ये सब किया है। पूर्व विधायक, उन्होंने अपनी पेंशन्स ये छोड़ दी हैं कि एक महीने की पेंशन ये हम कोरोना रिलीफ फंड में डालेंगे। हमारे जो पेंशनर्स हैं उन्होंने भी अपनी पेंशन्स में कुछ कटौती करके, जितनी जिसकी जैसी अवस्था है वैसा अपना एक संकल्प ये वेबसाइट के ऊपर दोहराना शुरू किया है। लगभग 2.25 लाख ये हमारे पेंशनर्स हैं, ये भी सब कर रहे हैं। नए इनिशिएटिव में मुझे अभी एक समाचार मिला, नू जिला। अब ये नू जिला ऐसा जिला है जो वास्तव में हमारी इस लड़ाई के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और इस महत्वपूर्ण भूमिका में चूँकि एक विशेष प्रकार की परिस्थिति बनी जहाँ कुछ नमाजी लोग, जहाँ पर कुछ तबलीगी लोग, उनके कारण से ये रोग थोड़ा हरियाणा में ज़्यादा फैल रहा है। मेरा नू के लोगों से, वहाँ के मुल्ला मौलवियों से एक बहुत विशेष एक प्रकार से मैं आग्रह करूँगा कि वहाँ समाज के लोगों को समझाएं, और ऐसे लोग जो अभी इसको छुपा कर रखा हुआ है, चाहे वो मरकज़ में गए होंगे नवाजी, उस नाते से इकट्ठे होकर के अगर निज़ामुद्दीन गए हैं, अभी उन्होंने बताया नहीं है, तो वो एकदम बाहर आ कर के और पुलिस में जा कर के बताएं कि हम भी वहाँ होकर के आए हैं। उनके टेस्ट, ये टेस्ट होंगे, और उस टेस्ट के बाद निश्चित रूप से 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। 2 बार यदि टेस्ट होता है या उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उनको 14 दिन के बाद फ्री कर दिया जाएगा। और मैं तो आगे भी कहता हूँ कि यदि कोई टेस्ट में किसी प्रकार का मानो पॉजिटिव टेस्ट भी कभी निकल आए, चाहे किसी के संपर्क में आए हों, विदेश के लोगों से संपर्क में आए हों, तबलीगी हों, नमाजी हों, या मैं समझता हूँ कई बार हॉस्पिटल में कई बार ऐसी घटना कोई हो सकती है कि कोई पॉजिटिव मरीज ऐसा हो सकता है। अभी मुझे एक ध्यान में आ रहा है, हमारी बेटी पायल नर्स मेदांता में, जब ये इटली के लोग वहाँ पर आए थे, 14 पेशेंट पॉजिटिव थे, उनका बेफिक्री से इलाज किया और उनके हर प्रकार की देखरेख की। वहाँ डॉक्टर सुशीला कटारिया ने भी उनके इलाज में कोर कसर नहीं छोड़ी। 14 में से 13 मरीज ठीक हो गए और वो ठीक होकर के उनको वहाँ से छुट्टी दे दी गई है। संयोग ऐसा हुआ कि बेटी पायल नर्स, जो पानीपत की रहने वाली, ये पहली बार पॉजिटिव हो गई। इसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसके बाद जब दूसरा टेस्ट हुआ, दूसरे टेस्ट में ये नेगेटिव हो गई है। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव होकर के और इलाज के लिए अस्पतालों में रहते हैं उसके बाद वो नेगेटिव होकर के ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक होते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में भी जितने लोग इस समय भर्ती हैं उसमें से 31 लोग जो पहले पॉजिटिव थे बाद में बरी हो गए हैं और वो एक प्रकार से बाहर आ गए हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई चिंता करनी नहीं चाहिए। एक मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारी बहनें आशा वर्कर हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, ये सब बहनें भी पूरे फील्ड में अपना काम कर रही हैं और फील्ड में काम करते हुए हर प्रकार की सेवा, यानी जितने आशा वर्कर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ, खास करके महिलाओं में, बच्चों में, बहुत से ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों का पालन करने के लिए घर घर इनको जाना होता है। ये सब सावधानियां बरतते हुए आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब वहाँ जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो मास्क बहुत बड़ी मात्रा में बना रहे हैं और मास्क बना करके ये जनता में वितरण कर रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि अब समय आगे ऐसा आया है कि कोई भी व्यक्ति बाहर घूमते हुए खुले इस प्रकार से नहीं घूमना चाहिए। मुंह के ऊपर मास्क होना चाहिए, चाहे सामान्य मास्क ही क्यों ना हो, 3 लेयर का हो, 2 लेयर का हो, क्योंकि बहुत महंगा मास्क या अच्छी क्वालिटी का मास्क तो केवल हेल्थ सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं या कोरोना के बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आवश्यक है। सामान्य व्यक्तियों को तो अपना मुंह ढक करके अपने रुमाल का भी मास्क बना सकते हैं, घर से कपड़ा लेकर के बना सकते हैं, बाजार में सामान्य जो मास्क मिलते हैं उनसे मुंह अपना ढक करके रखें। मैं एक घटना इस समय याद कर रहा हूँ कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व मार्च 1527 की बात है कि खंडवा के युद्ध में
बाबर की फौजों के खिलाफ एक लड़ाई हुई। राणा सांगा और हसन खां मेवाती दोनों मिलकर के जी जान से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। पूरे मेवात में हर बच्चा बूढ़ा जवान उसके मुंह पर एक ही बात थी। वहाँ की भाषा में वो कहते थे, इतको दिल्ली आगरो, इतको जैसलमेर, इतको काड़ो पहाड़ मेवात को लड़ो रंगा सांबा की सांगा की बेर, बेर यानी साथ। राणा सांगा के साथ लड़ने वाले हमारे मेवाती भाई ये सब साथ खड़े थे। आज हर मेवाती भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना की लड़ाई में हम सब मिलकर के लड़े, जैसे शहीद राजा हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ मिलकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए जो मेवात यदि लड़ाई में हमारे साथ मिलकर के सबके साथ मिलकर चलता है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है कि मेवात को भगा ना सके। इसलिए हम मेवात के लोग हरियाणा के साथ मजबूती से चल करके लड़ते हैं, तो इसके अंदर सबका एक भला होगा। नू जिला भले ही ये पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन पिछड़े जिले में भी आज इस लड़ाई को लड़ने का जो दम है उसको वो दिखाएं, उसमें पीछे नहीं रहे, ये मेरा उनसे भी एक आग्रह है। अंत में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे छोटे छोटे उदाहरण से और चीज़ों को आगे हम बढ़ा रहे हैं, ये लड़ाई हो सकता है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन इस लड़ाई में किसकी क्या भूमिका रही, इसको हमेशा आने वाला जो समय है वो याद रखेगा। आज की लड़ाई इतिहास बनेगी। एक छोटी कहानी सुना करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बार कहते हैं एक गांव में आग लग गई, और जब आग लगी भयंकर फैल गई, गांव के लोग छोड़ छोड़ के भागने लगे। एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने देखा गांव में आग लगी है, पेड़ के ऊपर भी पत्ते जो सूखे थे वो उन्होंने आग पकड़ ली है। चिड़िया उड़ करके तालाब में गई, अपनी चोंच से और कुछ पानी भरा, आकर के उन पत्तों के ऊपर छिड़कने लग गई। देखा आग बुझ नहीं रही है, फिर गई चोंच से पानी भर करके ले आई। एक व्यक्ति नीचे जो हालांकि बाहर जा रहे थे गांव से, उन्होंने देखा ये चिड़िया जा करके पानी ला रही है, पत्ते पर डालती है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर जा रही है, फिर पत्ते पर ला रही है। उस व्यक्ति ने उत्सुकतापूर्वक उस चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन, तो ये क्या कर रही है? आग लगी है, भयंकर आग लगी है, इसमें कोई बचेगा नहीं, हम भी भाग रहे हैं और तुम भी भागो, तुम बच नहीं पाओगी। चिड़िया ने मानो क्या कहा, चिड़िया कहती है, भैया मुझे मालूम है आग भयंकर है, कोई नहीं बचेगा इस आग में, झुलस जाएंगे सब। मैं तो इसलिए इस आग को बुझाने के लिए लगी हूँ कि कल को इस आग के बाद जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में लोग आपको भी याद रखेंगे, हमको भी याद करेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, आप सब लोगों के बारे में तो कहेंगे कि आपने आग बुझाने की कोशिश तक नहीं की और भाग खड़े हुए। मैं इस चिड़िया के नाते मैंने कम से कम आग बुझाने की कोशिश तो की है, कोशिश करने वालों में मेरा नाम लिखा जाए, ये मेरी इच्छा है। बीमारी क्या रूप लेती है ये हमको मालूम नहीं है, आने वाले समय में ही पता लगेगा देश और दुनिया के अंदर जैसे इसका आगे बढ़ने का प्रभाव चल रहा है, लेकिन आज गंभीर होने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति इस आग को बुझाने के लिए, इस बीमारी को मिटाने के लिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्रयास में कोई कमी ना छोड़े। भाग्य विधाता है, क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा ये आगे पता लगेगा, लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी कसर इसको ख़त्म करने के लिए नहीं छोड़नी, यही आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।